इसको वापस हम सीधा कर सकते हैं, एक अकेला व्यक्ति इसको मुड़ा सकता है आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और दोस्तों, आज हम आपको फोल्डिंग कॉम्बो हेयरे के बारे में जानकारी देंगे। हम इस हेयरे का उपयोग 3 साल से कर रहे हैं, इसमें क्यारियाँ बनती है, साथ ही हम चाहे तो इसमें सिंचाई के लिए नालियाँ भी बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ये काम कैसे करता है आपको बताएं। जैसे ये तो इसका कुछ इस तरह पिन लगी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे निकालना पड़ता है इस तरह से। कुछ हम निकाल सकते हैं इन दोनों को, जैसे कि मेरे को सही बताओ तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाना सही समझा। इस तरह से दोनों गलियों को निकाल देने, ये काम ऐसे करेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें सर बेरिंग लगा हुआ है, बीच में सेंटर में बेरिंग लगा हुआ है, बहुत ही अच्छी जगह लगा हुआ है जिससे ये घूम सकता है। आपको बताएं, इस तरह से घूम सकता है ये। तो ट्रैक्टर की लिफ्ट को पूरी ऊँची लेनी होगी जिससे ये आसानी से घूम के क्यारिया वाला ऊपर चला जाएगा और नाली बनाने का नीचे आ जाएगा, जिससे हम नाली बना सकते हैं। साथ में नाली के लिए 2 सपोर्ट लगे हुए हैं जिससे अधिक मिट्टी पास होके ये नाली अच्छी बनेगी दोस्तों। तो दोस्तों, हम इसका आपको खेत के अंदर बता देते हैं टेस्टिंग करके कि किस तरह से ये काम करता है दोस्तों। पोस्ट से पिन निकालनी होगी, ये इस तरह से हमने पिन निकाल ली है। अब हम इसको घुमाएंगे, ये बेरिंग की सहायता से घूमता है, आसानी से घूम जाता है। सिर्फ एक अकेला व्यक्ति इसमें को घुमा सकता है इस तरह से। ये तो पहले क्यारा बनाए ऐसे, अब हम नालियाँ बनाएंगे। किस तरह नालियाँ बनती है आप देखिए। आप देख सकते हैं हमने किस तरह क्यारियाँ बनाई। अभी हमने इस तरह आसानी से क्यारियाँ बनाई दी, उसके साथ ही हमने नाली भी बनाई ली। और हम इसको वापस हम सीधा कर सकते हैं, एक अकेला व्यक्ति इसको मुड़ा सकता है आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। इस हेयरे के बारे में आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। और इसके मैं कुछ बनाने का कॉन्टेक्ट नंबर आपको नीचे दे दूँगा वीडियो के नीचे दोस्तों, जिसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।